अच्छा जी, एक्सरसाइज प्रोग्राम जो आपने बनाना था, दैट वाज टू इंपोर्ट 3 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले मैक्सिमम ऑफ देम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है प्रोग्राम बनाने से पहले कि आपको गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की लॉजिक आनी चाहिए। आपको मैनुअली विदाउट सॉफ्टवेयर आपको मैनुअली पता होना चाहिए कि रिजल्ट किस सूरत में क्या रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है, प्रोसेसिंग जो है वो किस तरह से होगी और आउटपुट क्या आएगा। अगर आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की लॉजिक आती है फिर आप प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की लॉजिक नहीं आती, उसके स्टेप्स नहीं आते, या ये नहीं पता कि जी आउटपुट क्या आना चाहिए, फिर आप जितने मर्जी एक्सपर्ट प्रोग्रामर हो जाएं, आप प्रोग्राम नहीं बना सकते। तो इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आपने ड्यूरिंग योर एक्सरसाइज टाइम आपने अटेम्प्ट प्रॉपर की हो, कोशिश की हो प्रोग्राम बनाने की, ठीक है, ताकि आपका माइंड जो है वो प्रोग्रामिंग से जरा यूज हो जाए और स्किल जो है आपकी प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप हो इनिशियल लेवल पे। अभी अगर आप प्रोग्राम नहीं भी बना सके तो कोई इतना ज्यादा इश्यू नहीं है। अच्छा जी, अब इस प्रोग्राम में, इस एक्सरसाइज में बेसिकली नॉर्मली वैसे हर सॉफ्टवेयर के लिहाज से भी तीन स्टेप्स होते हैं, कुछ डाटा इनपुट होता है, कुछ प्रोसेसिंग होती है और कुछ जो है आउटपुट होता है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसका हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो हम इनपुट वाला स्टेप जो है, यहां तो इनपुट का स्टेप जो है आप सब लोगों का जो है वो करेक्ट होना चाहिए। प्रोग्राम में शुरू करता हूं, हेडर फाइल भी इंक्लूड कर लेता हूं। तो पहला जो स्टेप है इनपुट का, आगे प्रोसेसिंग कोई भी हो, इस केस में हमें मैक्सिमम फाइंड करना है। समटाइम हम एरिया सर्कल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, समटाइम हम जो है टेम्परेचर कन्वर्जन करते हैं। तो काम जो भी करना हो उसे बाद में हम देखेंगे, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉजिक या उसके स्टेप्स जो हम डिस्कस करेंगे और फिर हम कोड लिखेंगे। पहले हम जो है इनपुट का स्टेप जो है वो हम लिख सकते हैं। तो इनिशियली हमारा रूल क्या है, जब तक कि हम डाटा स्ट्रक्चर कोई नहीं पढ़ते, हमारे रूल क्या है कि जितने हमने वैल्यू इनपुट करनी हो उतने वेरिएबल जो है वो हम बना लेते हैं। तो इस स्टेटमेंट में क्लियरली वर्ड से पता चल रहा है कि कितने नंबर इनपुट करने हैं, 3 नंबर इनपुट करने हैं। तो इसमें ज्यादा मेरा ख्याल है कोई इतना इश्यू नहीं है कि अगर आप 3 वेरिएबल्स नाम उनके कोई से भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड कर लें, एबीसी कर लें, 3 वेरिएबल्स जो है वो आप बना लें। और किस टाइप के वेरिएबल्स बनाएंगे, जिस टाइप का डाटा इनपुट करना है। इनिशियल एग्जांपल्स में बहुत सारी टाइम हम ज्यादातर जब प्रोग्राम्स बनाएंगे वो न्यूमेरिक डाटा को स्टोर करके न्यूमेरिक डाटा को प्रोसेस करने के होंगे। नंबर्स में कंप्यूटर साइंस में आपको पता है थोड़ी सी स्लाइड जरा वेरिएशन है कि इंटीजर नंबर सेपरेटली ट्रीट होते हैं, फ्लोट नंबर सेपरेटली ट्रीट होते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है, आप इंटीजर और फ्लोट में से चॉइस है कि हमारे 3 वेरिएबल्स जो है ए बी सी जो है या एक्स वाई जेड जो है वो किस टाइप के हो, इंटीजर टाइप के हो या फ्लोट टाइप के हो। अगर ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग आपको लग रहा हो कि कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज कैलकुलेट होंगी और आंसर फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा, फिर आप फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स आप बना सकते हैं। लाइक एरिया ऑफ सर्कल प्रोग्राम जो आपने इंप्लीमेंट किया था उसमें हमें मालूम है कि पाई की वैल्यू 3.14 जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है और एरिया जो है फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा। तो उसमें हम जो है रेडियस को भी फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं, एरिया को भी फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं। और अगर किसी प्रोग्राम में रिमाइंडर डिवीजन का ऑपरेटर यूज होना है, लाइक हमारे अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स में भी और पहले जो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की एग्जांपल्स की थी उनमें रिमाइंडर डिवीजन का ऑपरेटर यूज हो रहा था, तो अगर रिमाइंडर डिवीजन का ऑपरेटर यूज होना है फिर जो है जिन वैल्यू पे जिन वेरिएबल्स पे उसने अप्लाई होना है उनका इंटीजर होना जो है वो मस्ट है, क्योंकि रिमाइंडर डिवीजन ऑपरेटर जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट पे एरर दे देता है। अच्छा, अगर ना रिमाइंडर डिवीजन ऑपरेटर यूज हो रहा हो ना जो है हमें श्योर हो कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आ सकती है, तो फिर जो है हमें रिलैक्सेशन है, कोई इतना इश्यू नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम चाहे तो इंटीजर वेरिएबल बना दें चाहे तो फ्लोट टाइप के वेरिएबल बना दें। जैसे इस एग्जांपल में दोनों तरह से ठीक है, तो इंटीजर या फ्लोट टाइप के बेसिकली टू स्टोर 3 नंबर 3 वेरिएबल जो है बना लेते हैं, नाम इनके कोई सा भी हो सकते हैं ए बी सी।
और पहला जो स्टेप इनपुट का है उसके लिए कंसोल एप्लीकेशन में हमारी जो कमांड है वो हम किस तरह से करते हैं, कंसोल इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, सीएन के ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं। तो मेन जो इनपुट की कमांड है वो हमारी सीएन विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और आगे वेरिएबल। दूसरा वेरिएबल आप सेपरेट लाइन पे भी सेपरेट स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं सीएन की स्टेटमेंट, या मेरी तरह आप एक ही लाइन में दूसरे वेरिएबल और तीसरे वेरिएबल, तीनों वेरिएबल का इनपुट जो है एक ही लाइन में आप जो है लिख सकते हैं। हर वेरिएबल के साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जरूरी लिखना है। ये तो बेसिक कमांड है, इनपुट जिसने करना है एक्चुअल कमांड है। अलबत्ता कंट्रोल एप्लीकेशन में रीडेबिलिटी के लिए यूजर को जो मैसेज भी दे देते हैं कि भाई कितने नंबर इनपुट करना है। ये ना कि यूजर एक नंबर इनपुट करे और फिर वेट करता रहे कि जी अभी आउटपुट कुछ रिजल्ट आएगा, फिर दूसरा नंबर इनपुट करे। तो टू बी श्योर के यूजर को बताने के लिए, अपने प्रोग्राम को जरा इंटरेक्टिव बनाने के लिए ये मैसेज हम दे रहे हैं। अदरवाइज एक्चुअल जो कमांड इनपुट की है वो ये सीएन स्टेटमेंट है। तो ये ऑप्शनल मैसेज है, यूजर को कोई भी आप सूटेबल वर्डिंग यूज कर सकते हैं। यूजर को हम कहते हैं जी इनपुट थ्री नंबर और आगे इक्वल लगा दें, कॉल लगा दें, ये हमारा कॉन्स्टेंट मैसेज है सिर्फ यूजर को बताने के लिए। एंड अप्लाइंग एंडल इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर के साथ यूज कर लें तो वो भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। सीएन की कमांड उसके बाद जब एक्सिक्यूट होगी एंडल की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे ब्लिंक करेगा। अगर एंडल नहीं लगाया और सीएन की कमांड एक्सिक्यूट होगी तो इस मैसेज के आगे पहले वेरिएबल की वैल्यू के लिए कर्सर यहां पे जो है ब्लिंक कर रहा हूं। तो ये हमारा पहला इनपुट का स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। अब है असल लॉजिक के प्रॉब्लम जो है प्रोसेसिंग क्या होगी, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कैसे होगा। तीन नंबर का अगर हमने इनपुट लिया है तो उनमें से मैक्सिमम नंबर जो है वो किस तरह से फाइंड होगा। अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉजिक या स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम अगर हमें सही तरह से मालूम है तब हम जो है प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। तो एज ए सैंपल हम सैंपल वैल्यूज के साथ जरा चेक करके देख लेते हैं कि ए बी सी अगर हमारे तीन वेरिएबल्स हैं तो सैंपल वैल्यूज के साथ हम देख लेते हैं कि रिजल्ट प्रोसेसिंग क्या होगी और रिजल्ट जो है वो किस तरह से आएगा। ठीक है जी, आप थोड़ा सा या आप चेयर आगे कर लें या आप चेयर थोड़ी आगे कर लें। यस सर। तो सैंपल वैल्यूज के साथ जरा आप देख लेते हैं कि क्या आप सबको सैंपल वैल्यूज के साथ हम देख लेते हैं कि क्या आप सबको जो है मैक्सिमम नंबर जो है वो फाइंड आउट करना आता है। अगर मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना आता है तो फिर प्रोग्राम बनाने में कोई इशू नहीं होगा, वो माइनर जो है इशू है, असल चीज है ये स्टेप्स। ठीक है कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा और इस स्टेप इन स्टेप्स को हम कहते होते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम जो साइंटिस्ट जो स्कॉलर्स बनाते हैं उनका जो है बड़ी अहमियत होती है, उनको बहुत क्रेडिट जाता है। जो लोग उस एल्गोरिदम को किसी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करते हैं इंकोड करते हैं उनको कोई नहीं पूछता। जावा में आपने किसी एल्गोरिदम को जो है प्रोग्राम बना दिया तो कोई जो है क्रेडिट नहीं जाएगा। आपने सी शार्प में बना दिया प्रोग्राम, सी प्लस प्लस में बना दिया, किसी एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट कर दिया, कोई क्रेडिट नहीं जाएगा। क्रेडिट उसको जाएगा जिसने वो स्टेप्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ सिंपल कंक्रीट इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव सूडो कोड में लिख के एल्गोरिदम प्रपोज किया है, उस साइंटिस्ट को, उस पर्सन को जो है क्रेडिट जाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉजिक जो है वो इंपॉर्टेंट है और ये हमारा बहुत सिंपल प्रोग्राम है। मैक्सिमम ऑफ थ्री नंबर्स हम जरा सैंपल वैल्यूज के साथ देखते हैं कि मैक्सिमम जो है वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है, क्या वैल्यू जो है वो आउटपुट आ रही है इन डिफरेंट सिनेरियोस, डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए बी सी। तो 5, 8 and 3 सपोज यूजर 5, 8 and 10 सपोज यूजर एंटर करता है ए बी सी की ये तीन वैल्यूज, इस इनपुट स्टेटमेंट में ये तीन वैल्यूज एंटर करता है तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी जी, 10। वैल्यू ऑफ सी दैट इज 10 इज मैक्सिमम। ठीक है अच्छा, तो अगर फर्ज करें यूजर एंटर करता है 8, 5 and 10 अब कौन सी मैक्सिमम है, अभी भी 10 है। वेरी गुड। अगर फर्ज करें यूजर एंटर करता है 1, 5, 8, 10 अब कौन सी मैक्सिमम है। पहले आप कुछ और सोच रहे थे लेकिन फिर जब मैंने 10 किया तो आपने फिर कहा कि ये वाला मैक्सिमम है। तो
ये मैक्सिमम है। अच्छा इसी तरह से अगर यूजर एंटर करता है 1 5 3 15 आप बहुत ही तेज हैं जी। मैं क्वेश्चन करता हूँ आपको देता हूँ। मैं कहता हूँ जी 38 40 अच्छा जी। अगर मैं कहता हूँ कि जी लेट्स से 10 3 9 30 आप कौन से मैक्सिमम तो आप समझे हैं। अच्छा अगर मैं कहता हूँ जी 10 10 and 5 आप कौन सी वाली मैक्सिमम दोनों ही मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यूज हैं। अगर मैं कहता हूँ जी 10 10 और 10 तीनों में से कोई वैल्यू ले ले ऑल थ्री वैल्यूज आर सेम ठीक है मैक्सिमम भी सेम है मिनिमम भी सेम है। तो एनीवे मेरा ख्याल है कि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है इस वक्त जो के जिसे मैं डिसीव कर सकूं जिसे मैक्सिमम फाइंड करने का जो है मालूम ना हो। तो ये डिफिकल्ट काम है मैनुअली आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं प्रोग्राम लिखना कोई इशू नहीं है याद रखें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉजिक आप सबको क्लियर है वैल्यूज को कंपेयर करना है एबीसी में वैल्यू स्टोर्ड है वेरिएबल एबीसी में उन वैल्यूज को कंपेयर करके कंपैरिजन ऑपरेटर हमने पढ़े हैं ग्रेटर देन इक्वल टू का ऑपरेटर पढ़ा हुआ है लेस देन या लेस देन इक्वल टू जो मर्जी ऑपरेटर यूज कर ले कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करना है और ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर या तो ए प्रिंट होगा या बी प्रिंट होगा या सी प्रिंट होगा। इवन अगर वैल्यू सेम भी होती है ना तो हम दोनों को बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि 10 इज मैक्सिमम 10 है हम ए को डिस्प्ले कर देते हैं कि 10 इज मैक्सिमम ठीक है। तो अल्टरनेट पाथ है डिस्प्ले या ए होगा या बी होगा ठीक है। तो हमारे लिए कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करना प्रोग्राम में लाजमी कंडीशनल स्टेटमेंट हम यूज करेंगे अल्टरनेट पाथ है ना या ए मैक्सिमम या बी इज मैक्सिमम। अगर खाली दो पास होते हैं दो वेरिएबल्स होते हैं दो का मैक्सिमम बताना होता है इफ एल्स पास सफिशिएंट ठीक है। इफ एल्स के जरिए हम ए बी को कंपेयर करते हैं ए मैक्सिमम होता तो ए प्रिंट कर देते बी मैक्सिमम होता तो बी प्रिंट कर देते। अभी थर्ड वेरिएबल भी है तो हमें जो है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो यूज करनी चाहिए या और भी हम तरीका देखेंगे कि हम यही प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट जो है भी बना लेंगे। तो दोनों वर्जन बनाएंगे पहले आप नेस्टेड इफ एल्स के जरिए बनाते हैं क्योंकि हमारे पास तीन डिफरेंट वेरिएबल्स हैं मल्टीपल पाथ्स हैं कि आउटपुट जो है वो कोई सा भी आ सकता है ए भी आ सकता है बी भी आ सकता है सी भी आ सकता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट यूज होगी और सबसे बेसिक जो पावरफुल कंडीशनल स्टेटमेंट है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल है दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। सिंपल इफ स्टेटमेंट से भी बना सकते हैं एल्स पार्ट यूज किए बगैर उस सूरत में आपको कंडीशन जो है वो सारी एक्सप्लिसिटली लिखनी होती है। अभी हम सिंपल इफ से नहीं बनाएंगे इफ एल्स से बनाएंगे वो वर्जन भी ठीक है ठीक है। तो हम इफ एल्स से बनाएंगे और नेस्टेड इफ एल्स हम यूज करेंगे। मेन जो इस प्रोग्राम में थोड़ा सा देखने की चीज है वो ये है कि जो इसका इफ एल्स की मैचिंग का जो सिंटैक्स है कि एल्स जो है वो किस इफ से जो है वो मैच होता है। तो ए और बी को कंपेयर करते हैं इनसाइड इफ स्टेटमेंट इफ ए इज ग्रेटर देन बी कौन से सिनेरियो में जो है ए बी से ग्रेटर है इस वाले सिनेरियो में भी ए बी से ग्रेटर है इस वाले सिनेरियो में भी ए बी से ग्रेटर है इस वाले सिनेरियो में भी ए बी से ग्रेटर है ऐसे ही है ना तीन सिनेरियो है जिनमें ए जो है वो बी से ग्रेटर है। अच्छा इस सब के सब सिनेरियो में अगर ए बी से ग्रेटर है तो ए ही प्रिंट हो रहा है या कुछ और भी प्रिंट हो रहा है इन दोनों सूरतों में तो ए ही प्रिंट हो रहा है लेकिन इस केस में ए बेशक बी से ग्रेटर है लेकिन इधर सी प्रिंट हो रहा है। तो जब हमने ए को बी से कंपेयर कर लिया तो इसे सी से इसका मतलब है कंपेयर करना जरूरी है कंडीशन ट्रू हो गई है ए ग्रेटर देन बी
ठीक है, तो then part में जब control आया तो अब C से compare करना जरूरी है, अगर A C से भी greater है तब A ही print हो जाएगा, अगर A C से greater नहीं है तो इसका मतलब है या दोनों equal है या C greater है, तो else part में हम C को print करें। तो ये condition जब हमारी true होगी तो controller का execution then part आएगा, और then part में हम A की if की statement, एक और if की statement as a nested if हम जो है वो use कर रहे हैं, और उसमें हमने A को किससे कंपेयर करना है, C से कंपेयर करना है, अगर A C से भी ग्रेटर है तो नेक्स्ट जो चीज मैं लिखूंगा कंडीशन के बाद वो देन पार्ट कंसीडर होगी, और हम कहेंगे कि जी मैक्स इज इक्वल टू A बिकॉज A इज ग्रेटर देन B और देन पार्ट में A इज आल्सो ग्रेटर देन C, देयरफॉर मैक्सिमम इज इक्वल टू A, और एल्स में अच्छा ये तो एल्स मैंने लिखा है, अगर मैं इधर लिख लूं तो ये किस एप से मैच होगा, ये इस एप का पार्ट है, अगर मैं इस एल्स को इधर लिख लूं अब ये किससे मैच होगा, अभी किससे मैच होगा, याद रखें इसे जहां मर्जी लिख लें, बेशक आप इसे इधर लिख लें, एल्स जो है हमेशा प्रीवियस अनमैच एप से जो है मैच करें, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में ये जरा ड्रॉबैक है, जरा देखने की जरूरत होती है केयरफुली कि एल्स कौन सा इफ, एल्स इफ एल्स जो आपस में मैच हो रहे हैं, तो अगर मैं चाहता हूं कि इस इफ के देन पार्ट में ये इफ एल्स की स्टेटमेंट ना हो, अभी इस एल्स को जहां मर्जी मैं लिखूं आफ्टर द देन पार्ट इस एल्स को जहां मर्जी मैं लिखूं ये एल्स जो है ये इससे ही मैच होगा, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस इफ के देन पार्ट में इफ एल्स की स्टेटमेंट ना हो बल्कि खाली इफ की स्टेटमेंट हो विदाउट एनी एल्स, तो इफ स्टेटमेंट भी वैलिड स्टेटमेंट होती है, तो इस इफ के देन पार्ट में अगर एक ही स्टेटमेंट है इसकी लेकिन इसके देन पार्ट को क्लोज करने के लिए हम जो है कंपाउंड स्टेटमेंट कर्ली ब्रैकेट जो है वो इनक्लोज कर देते हैं, अब अगर मैं एल्स लिखता हूं आफ्टर दिस कर्ली ब्रैकेट तो ये एल्स जो है ये किससे मैच होगा, ये आप फर्स्ट वाले से मैच होगा क्योंकि ये देन पार्ट को हमने क्लोज कर दिया, इस एफ को और देन स्टेटमेंट को हमने देन पार्ट में क्लोज कर दिया, अब जो एल्स होगा ये इसका एल्स नहीं है, ठीक है ये जो एल्स है अब इससे मैच होगा, तो एनीवे अभी हम लॉजिकली इस एल्स को इससे ही मैच करना चाह रहे हैं, तो अभी हम जो है ये कंपाउंड स्टेटमेंट जरूरी नहीं है इसे हम हटा देते हैं, लॉजिकली गलत हो जाएगा, तो ये एल्स इसका मतलब यह है कि ए बी से तो ग्रेटर है लेकिन सी से ग्रेटर नहीं है, या तो दोनों इक्वल है या सी ग्रेटर है, तो उस सूरत में जब सी ग्रेटर होगा तो मैक्स हम क्या डिस्प्ले कर देंगे, मैक्स इज इक्वल टू सी, अच्छा जी इस एफ के देन पार्ट में एक ही इफ एल्स की स्टेटमेंट है, जब एक ही इफ एल्स की स्टेटमेंट होती है तो फिर आप कर्ली ब्रैकेट यूज कर लें ऐसे देन पार्ट को इंक्लूड कर दे तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, अगर आप इंक्लूड ना करें क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है तो तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है इस एफ की इस कंडीशन के देन पार्ट में ये मैं कमेंट में लिख देता हूं, जैसे देन पार्ट कर्ली ब्रैकेट लगाए या ना लगाए यूज करें या ना करें कोई इशू नहीं है क्योंकि ये इफ और एल्स एक ही स्टेटमेंट है ये यहां तक, तो ये भी हो सकता है कि इस इनर जो है इसके देन पार्ट में 100 स्टेटमेंट हो, देन पार्ट में वो सारी स्टेटमेंट कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज के अंदर होंगी, आउटर इस एफ का देन पार्ट में फिर भी जरूरी नहीं है क्योंकि बेशक ये जो 100 स्टेटमेंट हैं ये इस एफ के देन पार्ट में है, एफ स्टेटमेंट यहां से यहां तक ये एक ही स्टेटमेंट रहेगी, उस सूरत में भी बेशक देन पार्ट में जितनी मर्जी स्टेटमेंट हो या एल्स पार्ट में जितनी मर्जी स्टेटमेंट हो, तो ये एल्स की एक ही स्टेटमेंट है और अभी हम कर्ली ब्रैकेट नहीं डाल रहे, ठीक है जी अब हम आते हैं एल्स पार्ट की तरफ, आउटर एफ के एल्स पार्ट की तरफ, अगर ए बी से ग्रेटर नहीं है तो इसका मतलब है या बी ग्रेटर है या दोनों इक्वल है, तो दोनों सूरत में अच्छा इस एल्स को मैं इधर लिख दूं इसके नीचे लिख दूं या इधर आगे लिख दूं, ये एल्स ये जो एल्स लिखा है या किसके मैच करेगा इस पहले वाले एफ से जो है मैच करेगा, और इधर कंट्रोलर एग्जीक्यूशन तभी आएगा जब ए बी से ग्रेटर नहीं होगा, या इसका मतलब क्या है कि या तो बी ग्रेटर होगा या इक्वल होंगे या इक्वल होंगे या सी ग्रेटर होगा, लाइक कौन से सिनेरियो में ए बी से ग्रेटर नहीं है, ये वाला सिनेरियो है ए बी से ग्रेटर नहीं है, ये वाला सिनेरियो है ए बी से ग्रेटर नहीं है,
इसमें देखें कि सी ग्रेटर हो गया, इसमें बी ग्रेटर हो गया, इन दोनों सिनेरियो में जरा वेरिएशन आ रही है। बी ए तो ग्रेटर है लेकिन सी से कंपेयर करना जरूरी है, तो एल्स पार्ट में सी से कंपेयर करने के लिए हम एक और एक स्टेटमेंट लगा लेते हैं। थोड़ा स्पेस दे देने हैं, उसी लाइन पे लिख लें या नीचे लिख लें, इफ बी इज ग्रेटर देन सी, इसका क्या मतलब है, ये वाला एल्स पार्ट इस कंडीशन से लिंक्ड है कि ए बी से ग्रेटर नहीं है, बी ए के इक्वल है या ग्रेटर है, और बी जो है वो सी से भी ग्रेटर है, तो उस सूरत में विच वन इज मैक्सिमम, बी इज मैक्सिमम, मैक्सिमम इज इक्वल टू बी, और अगर बी ग्रेटर नहीं है सी से, लाइक इन दिस सिनेरियो बी ए से तो ग्रेटर था लेकिन सी से ग्रेटर नहीं है, तो उस सूरत में सी इज मैक्सिमम। तो ये जो एल्स पार्ट हम लिख रहे हैं ये किससे मैच कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू सी। अच्छा मैंने कोई लिखने में मिस्टेक कर दी है यहाँ पे ऊपर, ठीक है जी, जरा बता दिया करें कंपाइलर की तरह से, कंपाइलर ये तो अनमैच स्ट्रिंग गलती से किसी भी वजह से नहीं लिख भूल गए या व्हाइट बोर्ड के इश्यू की वजह से, तो कंपाइलर जो है ये अनमैच स्ट्रिंग मैच करेगा, ये कंपाइल टाइम के एरर जो है ये हमें बता सकता है। ये वाली बिल्कुल ठीक थी, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक की है, तो और एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट कर रहे हैं कि सी प्लस प्लस के सी आउट एल्स, ये सारे वर्ड लोअर केस में होने, अभी मैंने तो कोई ऐसी मिस्टेक नहीं की कि अपर केस में लिख दिया हो, तो आपने भी कुछ स्टूडेंट्स ने जरा केयरलेसली, पेज पे तो एरर नहीं आता ठीक है, लेकिन यह है कि कंप्यूटर एरर दे देता है, केयरफुल रहना। तो यहाँ पे जैसे मैंने राइटिंग में कंपाइलेशन मिस्टेक की हुई थी, डबल कोट क्लोज नहीं किया हुआ, सी आउट का जो है टी मिसिंग था, तो इनको जो है लाजमी करेक्ट कर देना है। अच्छा जी, कंपाइलेशन मिस्टेक तो कंप्यूटर बता देगा, आपने भी देख के मुझे बता दी, मेरी हेल्प करनी लैब में, कंप्यूटर आपकी हेल्प कर देगा, प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में जब तक नहीं आएगा, सिंटैक्स सारा ठीक ही होगा, तब तक रन नहीं होगा। जब प्रोग्राम रन हो जाता है, अभी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, और इस प्रोग्राम में एल्स पार्ट में आउटर एफ के एल्स पार्ट में कितनी स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट है एफ एल्स की, यहां से लेकर यहां तक एक ही स्टेटमेंट है, आप इसे कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करें या ना करें कोई हाथ नहीं है, ये सारा जो है एफ एल्स की जो स्टेटमेंट है इनर जो है ये आउटर एफ का एल्स पार्ट है। कंट्रोलर का एग्जीक्यूशन एल्स पार्ट में कब जाता है, जब एफ की कंडीशन फॉल्स होती है, देन पार्ट इग्नोर हो जाता है, और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो देन पार्ट में जाता है, एल्स पार्ट सारा इग्नोर हो जाता है। अच्छा जी, अभी हम इस प्रोग्राम को जो है जरा टेस्ट करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं कि लॉजिकली रिजल्ट ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, इस चीज में कंप्यूटर हमारी हेल्प नहीं कर सकता, लॉजिकली रिजल्ट जो है वो ठीक है या नहीं है एक्चुअली, तो कोई लॉजिकल मिस्टेक तो नहीं है, तो इसे जरा हम एक और बार ट्रेस करके स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके हम इसे देख लेते हैं। अगर मैंने नंबर असाइन कर दूं लॉजिकली वन, मैं कहता हूं ये जी सेकंड स्टेटमेंट है, ये थर्ड स्टेटमेंट है, ये फोर्थ स्टेटमेंट है, फोर सी आउट की स्टेटमेंट है, आउटपुट जो है ये प्रोड्यूस कर रही है, या ए प्रिंट हो रहा है, या सी प्रिंट हो रहा है, या बी प्रिंट हो रहा है, तो आपने अभी स्टेप बाय स्टेप जो है फॉर दीज इनपुट फॉर दीज सैंपल वैल्यूज आपने मुझे बताना है कि कौन सी लाइन जो है स्टेटमेंट का नंबर आपने बोलना है, बताना है, बोलना नहीं है बल्कि आपने सिर्फ हाथ खड़ा करना है, अगर आपको समझ आ जाए कि अगर ए की वैल्यू 5 इनपुट करता है यूजर, बी की वैल्यू 8 है, सी की वैल्यू 10 है, तो कौन सी सी आउट की स्टेटमेंट जो है वो आउटपुट जो है वो प्रिंट करेगी। इसी तरह इन सारी इनपुट का हमने जो है प्रोग्राम को समझने के लिए सारी स्टेटमेंट को हम वन बाय वन देखते हैं, और देखते हैं कि स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3 या 4 में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करेगी। अच्छा अभी जरा रिकॉर्डिंग, अच्छा जी अगर फर्ज करें यूजर ने ये वैल्यू इनपुट की है, तो इनके लिए स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4 में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, आप बताइए।
आपके क्लास में रैंडमली आपने सोचा है, माइंड सेंसर आपने यूज किया, जरा केयरफुली आपको आपने देखना है, आपके अनुसार जो है सेव भी कर रहे हैं। सो एनीवे वैल्यू ऑफ ए इज 8, वैल्यू ऑफ बी इज 5, ये 8 एंड 5 जरा ध्यान में रखना है, एंड वैल्यू ऑफ सी इज 10 जरा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 8 एंड 5 कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन सबसे पहले आउट ऑफ रेट की कंडीशन पे चेक करेगा, 8 इज ग्रेटर देन 5, यस 8 इज ग्रेटर देन 5। अब एच पार्ट में कंट्रोल नहीं जाएगा इस एक्सक्यूशन में, अब सिर्फ देन पार्ट में ये जो इनर रेफरेंस स्टेटमेंट है इस पे कंट्रोल जाएगा, और वैल्यू ऑफ ए इज 8, वैल्यू ऑफ सी इज 10, 8 इज ग्रेटर देन 10, 8 इज ग्रेटर देन 10, no it is not greater than 10, condition is false, control will go to else part of this inner if else statement, or statement number 2 जो है ये output produce करेगी, और हमें जो screen पे max is equal to 10 जो है वो लिखा नजर आए। अच्छा जी, अभी इस sample input के लिए जी जरा आपने जरा processor को use करें हमने, और number जो है ध्यान में रखना, जिससे मैं पूछूं सिर्फ वही बताएगा, आप बताएंगे स्टेटमेंट नंबर 1, आप बताएं जी, हाँ 10, 5 and 8 1, चलें जी ट्रेस करके देख लेते हैं, एक्सक्यूट करके देख लेते हैं कि 10, 5 and 8 वैल्यू ऑफ ए इज 10, वैल्यू ऑफ बी इज 5, वैल्यू ऑफ सी इज 8 गिवन बाय यूजर, 10 is greater than 5? Yes, 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 very good. Control will go to then part, inner, then part, if a statement written in then part, 10 is greater than 8. Yes, inner F may be condition true hogi hai, so control will go to then part, else part ignore ho jayega. Max is equal to A ki value, 10 print ho jayega, aur control of execution यहाँ से देन पार्ट के बाद इधर वापस आएगा, देन पार्ट इसका एक्सक्यूट हो गया, इस एल्स को इग्नोर कर देगा, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट होती तो वो एक्सक्यूट हो जाती, अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है, रिटर्न जीरो पे प्रोग्राम की एक्सक्यूशन कंप्लीट हो गई। अच्छा जी, ए इन वैल्यूज के लिए कर लेते हैं 10, 10 और 5, वैल्यू ऑफ ए 10, वैल्यू ऑफ बी जो यूजर ने अज्यूम करें कि यूजर ने दिया 10, और सपोज वैल्यू ऑफ सी यूजर ने दिया 5, 10, 10 और 5, आप बताएंगे, हाँ जी वैल्यू ऑफ ए 10, वैल्यू ऑफ बी 10, सर इसमें 1 आ जाएगी, ये वाला 10 प्रिंट हो जाएगा, आर यू श्योर? यस सर। ये देखें, ये आपका माइंड बहुत एडवांस है ना, जल्दी से आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, कंप्यूटर की तरह से जरा सोचे हैं, जरा स्टेप स्लोली एक्सक्यूट करें, अभी डिस्कस करने का टाइम नहीं, अगर गलत आंसर बता दिया कोई हर्ज नहीं है, वन भी हो सकती है, थ्री भी हो, नहीं नहीं हो नहीं सकता, कंप्यूटर तो एक चीज एक्सक्यूट करेगा ना, अपने माइंड को जरा स्लो करें जी, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आप बताइए। जरा थोड़ा कंफ्यूजन आया तो देख लेते हैं, एक्सक्यूट करके देख लेते हैं, 10, 10, 5 में से क्या आउटपुट आ रहा है, जरा कंप्यूटर को अप्लाई करके देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ ए इज 10, वैल्यू ऑफ बी इज 10, 10 इज ग्रेटर देन 10, 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10, 10 इज बेसिकली इक्वल टू 10, ग्रेटर देन इक्वल होता ना साथ में तब ट्रू आता है, ये तो सिर्फ ग्रेटर है, तो 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10, कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन विल मूव टू एज पार्ट ऑफ दिस आउटर इफ स्टेटमेंट, 10 इज ग्रेटर देन 5, यस कंट्रोल विल गो थर्ड स्टेटमेंट, यस ठीक है जी, समझ आ गया, खाली ग्रेटर देन की कंडीशन है ना, तो इस केस में थर्ड स्टेटमेंट एक्टिव। अच्छा जी, अगर फर्स्ट ग्रे तीनों की तीनों वैल्यू 10, 10 और 10 है, सेम वैल्यू कोई भी यूजर दे देता है 10, 10 और 10, तो अब जरा इस पॉइंट पे अपने प्रोसेसर को अप्लाई करें, फर्स्ट इज गिवन डेटा, आप बताएं, कोई भी नहीं, ये तो आपका माइंड देखे ना, आप बताएं जी, जब आप कहते हैं ना कोई भी एक्सक्यूट नहीं हो गया, तो आपके माइंड की ये पावर है कि विदाउट एक्सक्यूटिंग एनी कोड, ठीक है, बेसिकली ट्राइंग टू अवॉइड सम वर्क,
आपका माइंड जो है डायरेक्ट जंप करके रिटर्न जीरो पे चला गया, उससे आपको तो कोई फ्रेंड नहीं होगा। तो पहले जरा एटीट्यूड तो चेक तो करके देखे ना, कुछ फ्रेंड हो या ना हो। यस सर, बात भी आवाज नहीं, फ्रेंड हो या ना हो वो तो बात की बात है, पहले जरा एटीट्यूड तो करके देखे ना। इतना जल्दी से कुछ भी कहने की तो जरूरत नहीं है। हाँ जी आप बताए, पहले ये कंडीशन चेक होगी, ठीक है, टेंडर ग्रेटर देन टेन, नो नो इक्वल तो नहीं लगा ना, बोथ टेंस आर इक्वल, कंट्रोल विल गो टू एस पार्ट, अगेन टेन इज ग्रेटर देन टेन, नो कंडीशन इज फॉल्स, कंट्रोल विल गो टू एस पार्ट, सी आउट मैक्स इज इक्वल टू सी, स्टेटमेंट नंबर फोर फोर एक्सिक्यूट हो जाए, विल बी एक्सिक्यूटेड। अच्छा जी अभी थोड़ा वेट करें, अभी जरा ये डिफिकल्ट पर है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जरा मैं पूछता हूँ आपसे, ये जरा डिफिकल्ट पर है, बोल रहे अच्छी तरह से, जरा डिफिकल्ट वाला है, अभी सोचिए आवाज नहीं, सोचने के लिए माइंड को यूज करें, जबान को नहीं यूज करते, आवाज नहीं, आवाज नहीं। आप बताएंगे ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट नंबर कहां से आउटपुट आएगा जी, स्टेटमेंट नंबर वन, नहीं नहीं मुझे लग रहा था कि आपको नहीं आती, और कोई स्टूडेंट बस जरा बहुत से जरा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप जी आप कभी जरा प्रोग्रामिंग वीक लग रही है, आप इंटर वन नहीं नहीं कोई इंटेलिजेंट नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वन नहीं होगी, है जी स्टेटमेंट वही पहले वाली वन नहीं होगी आपके पास, मैं टीचर हूँ देखिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा जी आप ही देखें इम्पोर्टेंट चीज, अहम चीज जो है यस कंप्यूटर के लिहाज से वन, अहम चीज जो है समझने की बात, जरा अहम लेसन मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोग्राम मैं नहीं करता, ठीक है। एक चीज याद रखें जी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी किसी का लिहाज नहीं करती कि टीचर ने ये कहा है स्टूडेंट ने ये कहा है, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर जो है इसका आंसर बन ही आएगा, ठीक है, कंप्यूटर जो है वो किसी का लिहाज नहीं करता। और एक चीज याद रखें कि जब भी आप आंसर करते हैं तो मैनी टाइम्स एग्जामिनर को भी पता नहीं होता कि सोल्यूशन क्या है, सिर्फ होता ही है मैंने खुद देखा है कि फाइनल प्रोजेक्ट में क्वेश्चन करते हैं ना तो स्टूडेंट डरते हुए सही आंसर दे रहा होता है, डरते हुए, और अगला जो एग्जामिनर है जो लिसनर है वो कहते हैं कि इसे जो है कॉन्फिडेंस नहीं है, पर्सनैलिटी का करेक्टरिस्टिक है कॉन्फिडेंस, ठीक है। और मैनी टाइम स्टूडेंट जो है वो सही आंसर बताते हैं और फिर भी फेल हो जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अभी जैसे आप श्योर थे कॉन्फिडेंस के साथ, सारे लोगों ने कहा जिससे भी मैंने कोशिश की डिसीव करने की, सबने कहा जी बन, तो यही चीज चाहिए होती है। याद रखें अहम असूल है कि स्टूडेंट्स ने नॉलेज वाइज टीचर से आगे जाना, याद रखें। एज ए स्टूडेंट जब भी मैंने अपना फाइनल प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया, कुछ भी मैंने प्रेजेंटेशन दी है, तो मैं बिलीव के साथ आगे खड़ा हूं कि मुझे जो है अपने सुपरवाइजर से सारे एग्जामिनर से ज्यादा नॉलेज है, बिलीव के साथ, इस ख्याल के साथ नहीं, इस बिलीव यकीन के साथ। और ये हकीकत भी है, देखें इंसान कभी भी तरक्की ना करे अगर नई जनरेशन काम को नॉलेज को आगे ना लेके जाए, वो एक्सीड ना करें, वो अपने टीचर से प्रीवियस जनरेशन से उनका नॉलेज अगर एक्सीड नहीं करेगा तो इंसान कभी भी तरक्की ना करेगा, ठीक है। उनका नाम ही आता, ठीक है, जिसने इनिशिएट किया था क्रेडिट उसे जाता है। यदि राइट ब्रदर ने जहाज का पुराना मॉडल जो बनाया था, उसके बाद जिन लोगों ने अब बोइंग फाइटर जेट्स बना दिए, किसी का नाम नहीं है, लेकिन वो सारी यंगर जनरेशन थी ना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, नाम उनका नहीं है, क्रेडिट नहीं है, लेकिन है तो वो आगे। तो ये आप ध्यान रखें, ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि टीचर को ज्यादा मालूम होता है, ऐसा हर गेज नहीं होता। इवन इन द सिंपल प्रोग्रामिंग बेसिक प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट, आप जो है बहुत सारी मेरी मिस्टेक्स आप यहां पे बता देते हैं जो कि मैंने अनइंटेंशनली गलती से टाइपिंग मिस्टेक मुझसे हो गई,
क्योंकि जेनेटिकली आपको जो है वो एज हासिल है, आप आगे हैं, आपका माइंड प्रोसेसर एडवांस है और यही जो है इंसान के तरक्की करने की वजह है, याद रखेगी और यह हकीकत है, इसे आपने जहन में बिठा लेना है। अलबत्ता पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक है, कभी भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी सीनियर जनरेशन की। अगर आपका टीचर या एग्जामिनर, वैसे एग्जामिनर को तो बिल्कुल भी जो है वो नहीं चैलेंज करना, तो अल्फाज मुनासिब यूज करने हैं कि सर देख ले मेरा तो ख्याल है कि ये इस वजह से ये आउटपुट आएगा क्योंकि ये रीजन है, ठीक है ना। अल्फाज वही बात मुनासिब अल्फाज के साथ जो आप कन्वे कर देते हैं, याद रखें जी, इन फ्यूचर 99% ऐसे मौके होंगे, परसेंट ऐसे मौके होंगे जिनमें आप सही आंसर दे रहे होंगे। तो अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना है, कॉन्फिडेंस गेन करना है, और कॉन्फिडेंस भी नॉलेज का, याद रखें। चले ठीक है जी, नोट कर लें आप, मेरा ख्याल समझ आ गया है।